मध्य प्रदेश में मानसून का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट शामिल हैं। आने वाले दिनों में यह बारिश प्रदेशवासियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, इसलिए सभी को सचेत रहने की सलाह दी गई है। नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों के रहवासी इलाकों में पानी भर गया है। घर, स्कूल और मंदिर सभी जलमग्न हो गए हैं। जबलपुर और सतना में पुल डूब गए हैं, जिससे आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो गई है। 55 इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, कटनी और भोपाल समेत कई इलाकों में पानी भरने की खबरें हैं। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। कई घरों में पानी घुस आया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक बारिश दर्ज की गई है। भोपाल के कोलार डैम के 2 गेट, कलियासोत और केरवा डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं, ताकि अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जा सके। प्रदेश के अधिकतम जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बालाघाट में मंगलवार को बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्ना, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, अनूपपुर, अमरकंटक, शहडोल, बाणसागर बांध, उमरिया, बांधवगढ़, डिंडोरी, मंडला और रीवा में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधान रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। नदी, डैम या तालाब के किनारे जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए तुरंत संपर्क करें। यह था मध्य प्रदेश की बारिश का ताजा हाल। हमारे साथ जुड़े रहें और आगे की जानकारी के लिए अपडेट लेते रहें। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।